अस्सलामु अलैकुम मोहतरम व्यूवर्स, हमारे चैनल पर आपको तह दिल से खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं जवाद इकबाल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेडिकल इंफो। आज की हमारी वीडियो है नेज़गेल टैबलेट, इसके बारे में जानते हैं मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो में। इसके क्या फ़ायदे हैं, साइड इफ़ेक्ट, मुकम्मल तफसीलात के बारे में जानते हैं। नेज़गेल टैबलेट में जो कंपोजिशन पाई गई है वो है लैंज़ोलेट। ये सिरप और टैबलेट दोनों फॉर्म में होता है और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ ताकतवर हथियार है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जब दूसरी मेडिसिन या एंटीबायोटिक नाकाम हो जाए तो लैंज़ोलेट को इस्तेमाल किया जाता है। ये स्किन इन्फेक्शन में भी इस्तेमाल किया जाता है। आँख के अंदरूनी हिस्से में इन्फेक्शन हो जिससे बसारत ख़राब हो या आँख में कोई मसला और हो तो ये इस्तेमाल किया जाता है। ये ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ मजबूत एंटीबायोटिक है। इसके अलावा वो ये हड्डियों के इन्फेक्शन के लिए भी इस्तेमाल होती है। दिल के बाल में इन्फेक्शन हो जाए तो ये मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है। और जब अल्सरा की वजह से जो छोटे ज़ख्म होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के बाद जब बड़े हो जाते हैं तो इनको ज़ख्मों को ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। गर्दन तोड़ बुखार या नमोनिया बुखार में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पेट के इन्फेक्शन के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बाद हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। साइड इफ़ेक्ट कौन कौन से हैं, इसमें आ जाता है मतला, उल्टी, दस्त, पेट में दर्द और मुंह का जायका तब्दील हो जाना, स्किन रेशे वगैरह। इसका इस्तेमाल का तरीका, इसको 10 दिन तक इस्तेमाल किया जाता है। इसको डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें। अगर इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो खून की कमी हो सकती है, यानी एमोनिया हो सकता है, एनीमिया। इसकी खुराक डॉक्टर रिकमेंडेड करता है। ये वज़न, उम्र और बीमारी के हिसाब से ये 400 mg और 600 mg दोनों में दस्तियाब होती है। इसको डॉक्टर रिकमेंडेड करता है कि कौन से मरीज़ को कौन सी mg देनी है। अच्छा दोस्तों, ये थे मुकम्मल रिव्यू वीडियो में। अच्छा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।